दोस्तों नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। 15 मार्च की जो राउंड चल रही थी एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग चल रहा था, उसमें जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो गई है उनकी मैं आज रीडिंग करने वाला हूँ। जिनकी कुंडली सिलेक्शन प्रोसेस में जिनकी सिलेक्ट हो गई है उनकी आज मैं रीड करूँगा। साइमल्टेनियसली इतना बोल देता हूँ जी कि अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिए। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप वो डिटेल्स प्रोवाइड अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं आपकी भी कुंडली फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के प्रोसेस में डाल दूंगा। और आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो आपकी भी रीडिंग हो जाएंगी, आपके दो सवालों के जवाब दे दूंगा। कॉल नहीं होता है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिएगा। चाहे आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, चार्जेबल रीडिंग करानी हो, तो वो बोल दीजिएगा, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बात आगे बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आगे करते हैं। आज जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई उनके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। पहली जो कुंडली है वो रिक्की जी की है। रिक्की जी, आपका जो लास्ट का नंबर है मोबाइल का वो 663 है। मैं इतना बता दूं जी कि इनके जो सवाल हैं वो हैं कि गवर्नमेंट जॉब और शादी कब होगी। इन्होंने जो दो सवाल पूछे उसमें ये है जी कि शादी का टाइम पूछ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का। देखिए रिक्की जी, आपकी जो आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और उसका जो राशि का जो मालिक है वो बुध बनता है, मरकरी है उसके राशि का मालिक। और मरकरी यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, मतलब नीच का होके बैठा हुआ है, 10वें घर में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो शादी के रिगार्डिंग अगर आप पूछ रहे हैं तो शादी का जो कारक है वो शुक्र होता है मोस्टली, चंद्रमा और शुक्र को हम ज़्यादातर देखते हैं, तो उस टाइम पीरियड में शादी के चांसेस बन जाते हैं। तो अभी आपकी जो बुध, आपका जो लगन है जेमिनी, जो मैंने बोला बुध लगन है, सॉरी मिथुन लगन है, जिसका मालिक बुध है, उसी की महादशा चल रही है। बुध आपके 10वें घर में बैठा है, शुक्र आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। शुक्र 12वें घर का मालिक होकर 12वें घर में बैठा है, तो चांसेस है जी कि आपके बर्थ प्लेस से दूर आपकी शादी होने के चांसेस हैं, या आउट ऑफ कास्ट, या आपकी मर्जी में आपकी जो शादी होगी वो उसके आपकी जिससे शादी होगी वो आपके कास्ट से या आपकी पसंद की होंगी, आपके कास्ट के बाहर की या आपकी पसंद की होंगी, या कहीं दूर से होंगी जिनसे आपकी शादी होगी। उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर हो सकता है जिसके आपकी कम्युनिटी से मैच ना करे, या आपकी कम्युनिटी के बाहर की हों, या आप ही की कम्युनिटी की हों और वो बाहर से आई हों, तो ऐसा कुछ हो सकता है। शुक्र की अंतरदशा जो चलेगी, बुध की महादशा जो चल रही है, उसमें जो शुक्र की अंतरदशा चलेगी, अभी केतु की अंतरदशा चल रही है, वो अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके 2.5 साल के आसपास के लिए बुध की शुक्र की अंतरदशा लगेगी। उस टाइम पर आप अपना शादी का सोच सकते हैं। 2027 तक आपके पास टाइम है। 18 अगस्त 2024 के बाद से आप अपनी शादी का चांसेस देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो शादी इस वक्त कर सकते हैं, इधर इस टाइम के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। 2027 के जून के महीने तक का आपका समय अच्छा रहेगा, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आपका लगन वीक है, वो डेबिलिटेटेड है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेकर और अपनी कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपको उससे अपनी कैलकुलेशन, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कुछ भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले अपने पिता से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पिता का जो मरकरी जो है वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो अपने पिता से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो शादी का डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन हो। अगर आप उसमें ज़्यादा फोकस करके चले पिता की बातों को लेके तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मरकरी वैसे कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन का ब्रेन देता है, बुद्धि का मालिक होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिलिटेटेड होने के कारण कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आती है। आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और आप जो सोचते हैं वो हो सकता है जैसे आप सोचते हैं कुछ और होता है और निकलता कुछ और है, तो इसलिए आपकी थिंकिंग में कुछ ऊपर नीचे की प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि बुध के उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि बुध की महादशा चले और बुध की महादशा आपकी 2038 तक चलेगी, तो उसमें आप 21 से चल रही है 38 तक चलेगी, तो उसके उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। बुध के रिगार्डिंग आप कुछ बर्ड को फीड कर सकते हैं, या कोई भी हरी चीज़ें दान में खिला पिला सकते हैं किसी को, या डोनेट कर सकते हैं कोई भी ग्रीन चीज़ें, जैसे वेजिटेबल्स, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ बुधवार को करेंगे तो अच्छा रहेगा। साइमल्टेनियस इसमें ये भी बोलूँगा कि बुधवार को आप अगर नॉनवेज या कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो उसका कंजम्पशन मत करिए। वेनसडे और सैटरडे आपका कंजम्पशन बंद कर दीजिए, क्योंकि सैटरडे भी आपका अच्छा नहीं है। शनि आपका डेबिलिटेटेड भी है, नीच का भी है, और रेट्रोग्रेड भी होके बैठा, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी वहाँ पे भी दिक्कत है। हालांकि 11th हाउस में बैठा है तो इस कारणवश वहाँ पे वो ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं देगा, लेकिन
कहीं ना कहीं 2021 से पहले के भी सालों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी, फुल सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, भाग्य का पूरा साथ नहीं देगा, देगा लेकिन नहीं देगा, पूरा नहीं देगा, क्योंकि 11th हाउस में शनि बैठा है तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे सकता, तो ये पॉइंट है, लेकिन फिर भी दिक्कत देगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब का समय अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप चाहें तो अपने पिता का अगर कोई बिजनेस है या कुछ करें तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बात बता दूं कि गुरु अपने 10वें घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आप चाहें तो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें, क्योंकि आपका देखा जाए तो शुक्र की अंतरदशा चल रही है और शुक्र अभी सीधे 5वें घर को देखेगा, और शुक्र के घर में ही मंगल भी बैठा हुआ है, और अगर आप का जो कुंडली देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स देके अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मेरे को टाइम पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है। बट ये गुरु के होने के कारण 10वें घर में और शुक्र की अंतरदशा के कारण मैं बोलूँगा कोशिश करते रहिए। हालाँकि मैं ज़रूर ये बोलूँगा जी कि अगर आप असली टाइम पीरियड अगर देखना चाहते हो वो बहुत काफ़ी लेट आ रहा है, वो 2033 से 35 के बीच में आ रहा है, उस टाइम पे हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के चांसेस या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, हालांकि आप यहाँ पे टीचिंग का काम अभी भी कोशिश करें तो मिल सकता है, क्योंकि वो भी उस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भी अगर एजुकेशन या बच्चों से रिलेटेड या 5th हाउस लेके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं या आप कुछ और भी करते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आप आपके जो दो सवाल हैं वो स्पेसिफिकली आपने पूछे हैं तो मैंने उसी स्पेसिफिक के बारे में बताया है। अपने लगन को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर लगन नहीं स्ट्रांग करेंगे तो ये सब फल आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। शनिवार और बुधवार और मंगलवार में आपको नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है और ना ही अल्कोहल कंज्यूम करना है, ना ही कोई भी कुछ और भी सूखे पदार्थ का कुछ भी आपको नहीं यूज़ करना है, चाहे वो सिगरेट हो या कुछ और हो। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बेटर है, और डोनेशन करिएगा, जैसे शनिवार को अगर आप सरसों का तेल या कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं, मंगलवार को कोई रेड चीज, और बुधवार को तो ज़रूर करिए और उपवास ज़रूर रखिए बुधवार को, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। होप आपको रिक्की जी आपके सवालों का जवाब मिले हैं, धन्यवाद। अगली कुंडली जाने से पहले विक्की जी आपको ये भी बोल देता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो जी कि आप मांगलिक हैं तो उसको देख के भी शादी करिएगा, मंगल आपकी मांग आपकी कुंडली में आप मांगलिक शो हो रहे हैं। अब दूसरी जो कुंडली है उसको लेके बात कर लेते हैं। दूसरी कुंडली प्रताप जी की है, जिनका लास्ट का जो मोबाइल नंबर है वो 188 है। प्रताप जी ने सिर्फ अपने करियर के रिगार्डिंग सवाल पूछा है, तो प्रताप जी आपकी जो कुंडली बन रही है वो कैप्रिकॉर्न लगन की बन रही है और वो शनि का मालिक है, शनि उसका मालिक है। देखिए प्रताप जी, आपकी कुंडली में जो वर्क और जॉब है दोनों बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, बट दिक्कत यहाँ पे है जी कि आपका जो शनि है, आपका जो लग्नेश है, वो भी डेब्लिटेटेड है, 4th घर में बैठा हुआ है, डेब्लिटेटेड है। तो माता से फुल ऑन देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में माता से हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या आई हो। ये जो महादशा जब शनि की पूरी चली हो उसमें माता से कोई या लाइफ में लग्जरी की कुछ कमी आई हो या माता से कोई प्रॉब्लम आई हो। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि आपको अपने करियर के रिगार्डिंग पूछना है। देखिए अगली जो महादशा लगने वाली है, जो अभी शनि के अंदर गुरु की अंतरदशा चल रही है, वो 2026 तक चलेगी, जुलाई के महीने तक चलेगी, 2nd of July 2026 तक जितनी मेरी मुझे दिखा रहा है ये वो उस टाइम तक चलेगी, और उसके अंदर गुरु की अंतरदशा चलेगी। तो गुरु की अंतरदशा चलने के कारण आपको कुछ ज़्यादा अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ज़रूर ये बोलूँगा जी कि पहले मंगल के घर में गुरु बैठे हुए हैं तो हो सकता है थोड़ी लग्जरी का अभी आपको थोड़ा सा लग्जरी मिला हो, या पिता का जरूर सपोर्ट, पिता से थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो ये हो सकता है, क्योंकि मंगल पिता के घर में जाके बैठे हुए हैं और मंगल के घर में गुरु बैठे हुए हैं तो ये ज़रूर हो सकता है। बट बहरहाल आपका जो अच्छा पीरियड शुरू होगा वो अगर मैं बोलूँ तो बुध की महादशा में शुरू होगा, और बुध की महादशा जो है वो 2026 से चालू हो रही है। 2026 से आपकी जो बुध की महादशा चालू हो रही है वो जुलाई के महीने से चालू हो रही है और वो 2043 तक रहेगी, 17 सालों की बुध की महादशा आपके लिए रहेगी। तो उस टाइम पीरियड पे 17 सालों की रहेगी, तो ये उस टाइम पीरियड के लिए अच्छा रहेगा। उस टाइम पीरियड आपको अगर आप बिज़नेस फील्ड में जाना चाहते हैं या आपका कोई आपके फादर का कोई बिज़नेस है या आप कोई फील्ड अगर आपसे पूछा मेरे से पूछा जाए तो एट प्रेजेंटली बुध की महादशा के कारण मैं ये बोलूँगा कि आप ज़रूर बिज़नेस लाइन में जा सकते हैं, लेकिन आप जॉब भी कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल ज़रूर ये कहता है जी कि आप जॉब कम बिज़नेस दोनों कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने 99 है, तो अभी आपकी एज उतनी हुई नहीं, आप 25 साल के हैं, 2 साल की मेहनत और कर लीजिए या स्ट्रगल कर लीजिए,
साइलेंटली पीसफुली इसे काट लीजिए। इसके बाद जो आपका टाइम पीरियड आएगा उसमें आप जॉब, और हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ जी कि इस टाइम पीरियड में आप मेहनत ज़रूर करते रहिए। अगर आप कंपिटेटिव एग्ज़ाम देंगे 2 साल बाद, अगर हो सकता है जी कि आपको कोई कंपिटेटिव एग्ज़ाम में जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और साइमल्टेनियसली ये भी बोल सकता हूँ जी कि हो सकता है जी कि आप जॉब कम बिजनेस करें, हो सकता है जी कि आप अपने पार्टनर के नाम पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिज़नेस आप रन करें और वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर बोलूँगा जी कि चौथे घर जो सातवां नंबर है, सातवें घर में है, जो सातवें घर में जो आपके 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं वो बुध, सूर्य और राहु बैठा हुआ है। लेकिन ज़रूर हाँ एक चीज़ ज़रूर सावधान कर दूँगा, मैंने पार्टनर बोला, आपके जीवन में पार्टनरशिप में ज़्यादा अच्छा सुख नहीं है, तो ये जो बिज़नेस करें अकेले ही करें तो बेहतर रहेगा। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने जॉब को इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि मंगल यहाँ पे 10वें घर में बैठे हैं और वो आयश और मतलब सेकंड हाउस के मालिक, जो फिक्स एसेट के मालिक और 11th हाउस के मालिक हैं, उसके मालिक होके वो 10th हाउस में बैठे हैं। तो अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगा जी, अगर आपका आपके पापा का कोई बिजनेस रन हो रहा है तो उस बिज़नेस में अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको, 2 साल बाद आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। या आप अपने पापा के साथ कोई बिज़नेस करते हैं तो वो आपको अच्छा बिज़नेस आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे भाग्य शो के 7वें घर में बैठे हैं और 6ठे घर के मालिक होके 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बोलूंगा जी कि बुध यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको। भाग्यश का मालिक अगर 7वें घर में बैठा है तो बिजनेस की तरफ जरूर शो करता है, और सूर्य खुद 5वें घर के मालिक होके मतलब बिजनेस के फिक्स एसेट के मालिक होके 7वें घर में बैठे हुए हैं, 8वें घर के मालिक होके 7वें घर में बैठे, अपने से 12 होके बैठे हुए हैं। तो जरूर यहाँ पे जरूर बोलूंगा जी कि आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा और करियर भी अच्छा रहेगा, आप दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। ये आप पे ऊपर है और ये भाग्य के ऊपर है जी वो आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ये ज़रूर बोलूँगा जी कि बिज़नेस अगर करते हैं या करियर में कुछ भी काम करते हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि लगन में केतु बैठा हुआ है, लगन का केतु हमेशा अकेलापन डालता है। तो अकेले रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई धोखा देगा तो आपके अपने ही देंगे, आपके खुद का प्यार हो सकता है, तो उसको फोकस में रखिएगा क्योंकि करियर में वो डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट करेगा। शनि के उपाय ज़रूर करिएगा क्योंकि शनि आपके यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, लग्नेस डेबिलिटेट होने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर कुछ और भी कहीं का कोई भी प्लैनेट स्ट्रांग हो लेकिन अगर लग्नेस डेबिलिटेटेड है तो आप खुद कमज़ोर हैं। अगर आप खुद कमज़ोर हैं तो कैसे आप आगे की चीज़ें करेंगे? कोई अच्छा कुछ भी करेगा लेकिन आपको उसका सुख का महसूस नहीं होगा, उसको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका खुद की शरीर और आपका खुद का मेंटल और आपकी खुद की मेंटल हेल्थ की और आपकी इमोशंस पीस ऑफ माइंड में नहीं है और आप खुद खुश नहीं है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि शनि के उपाय ज़रूर करिए। अगर हो सके तो भोलेनाथ की और माँ काली की या माँ शक्ति किसी भी माता की, माँ दुर्गा की या माँ काली की, या जो आपको जो पसंद हो उनकी ज़रूर आप पूजा डेली बेसिस पे करिए। कोई गलत काम करने की कोशिश मत करिए, कोई भी नेगेटिव काम करने की कोशिश मत करिए, और कुछ भी अगर फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, फास्टली करने की सोचते हैं तो उसको करने से बचने की कोशिश करिए। अगर जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को ड्यू प्रोसेस पर फॉलो करके अगर का काम होता है तो चाहे थोड़ा धीरे से उसको करने की कोशिश करिए, हो सकता है जी कि आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल मैंने अपने हिसाब से जितना आपको बताना था मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू। आखिरी जो कुंडली है वो शुमोना की है। शुमोना आपका जो लास्ट का मोबाइल का नंबर है वो 436 है, और आपने जो सवाल, आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा वर्गो है, आप वर्गो लगन की हैं और आपका जो लग्नेश है वो सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है, अब शुक्र की राशि में बैठा है, ठीक है, अच्छी है, अच्छा है। अच्छा आपका जो सवाल है वो है, शुमोना का जो सवाल है वो पूछना चाहते हैं जी कि वो शुमोना पूछना चाहते हैं जी कि उनकी शादी कब होगी, व्हेन शी विल गेट मैरिड। शुमोना जी आपकी जो शादी है, आपकी जो अभी महादशा चल रही है, ये महादशा राहु की चल रही है, राहु 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का राहु बहुत स्ट्रांग होता है, बट हमेशा राहु की महादशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ जो कि खुराफाती दिमाग होता है, हमेशा डिच करने का दिमाग होता है जी कि हमेशा कैसे भी करके खुद को ऊपर करने का, या हमेशा कैसे भी अपना काम मनवाने का जो दिमाग होता है वो राहु की महादशा में आ जाता है। और 10वें घर का राहु ऑब्वियसली ये काम करता भी है, बिकॉज राहु 10वें घर में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपने पूछा जी कि शादी कब कर सकती हैं, तो शादी अगर आप चाहें तो अभी आप कर सकती हैं,
गुरु की महा अंतरदशा चल रही है। गुरु आपके जो सातवें घर का मालिक है वो होके वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज है। बट शुक्र केतु के साथ बैठा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन यहाँ शादी से रिलेटेड मैं यही बोलूँगा। देखिए आप चाहें तो इस वक्त में शादी ज़रूर कर सकती हैं। आपकी शादी का टाइम अभी जो पिछले नवंबर से आपके दिमाग में खुराफा चल रहा है शादी होने का, शादी करने का, और जो आपकी जो पसंद है उससे आप जो शादी करने का सोच रही हैं, शायद आप फैमिली को मना के ये शादी करवाना चाहती हैं, इस वजह से आप यहाँ पे पूछ रही हैं। तो आप कर सकती हैं, आपके पास समय है 2025 से लेके, माफ़ कीजिएगा, 2026 तक का आपके पास समय है, 25 मार्च 2026 तक आपके पास समय है। आप चाहे तो अभी शादी कर सकते हैं, ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। बस यही बोलूँगा जी कि अपनी खुराफती दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें, अगर आप काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा ना जाके अगर सीधा साधा काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। किसी को डिसीट करके या किसी को कुछ भी बाई चांस अगर आप ये कर रही हैं, तो मैं ज़रूरी नहीं है ये आप कर रही हैं, लेकिन राहु के टाइम पे दिमाग तेज़ चलता ही है, तो कुछ भी काम करें तो डिसीट करके ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहेगा। क्योंकि राहु की महादशा तो 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, वो कट जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? और अगर ऐसा लगता है जी कि ये कट जाए, ये बहुत बड़ा टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं जो बदलाव लाती हैं। हालांकि गुरु की महादशा आएगी इसके बाद राहु की, और उस टाइम पे फिर आपको समझ में आएगा। अभी अंतरदशा चल रही है, तो गुरु की महादशा आएगी 17, 18, 19, 2021 तक, अगर अब मैं देखूँ तो हाँ 2039 में गुरु की महादशा लग जाएगी राहु के बाद, तो उस वक्त पे, लेकिन इतना लंबा इंसान सोचता नहीं है, तो मैं इतना लंबा आपको बोलूँगा भी नहीं। तो ठीक है, आप अगर चाहे तो आपने शादी का पूछा, आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, और आपकी फैमिली को आप हो सकता है मैनिपुलेट करके, या आपकी फैमिली की ही पसंद का उनको हो सकता है उनको लॉजिक दिखे, तो उसके बेसिस पे आप ज़रूर शादी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी करने में कोई दिक्कत नहीं है, 26 तक का आपके पास समय है। ठीक है सुमा जी, उम्मीद करता हूँ आपको, बस यही है जी कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, माता से मम्मी से थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रखने की कोशिश करिएगा, और ये अच्छा रहेगा। ठीक है, देख के करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मैंने अपने आप लोगों की रीडिंग दे दी है, तो आज की जो रीडिंग है, इस आज की जो 15 मार्च की जो रीडिंग है, वो आज मैं यहाँ पे आज का मैंने वीडियो बना दिया है। इसके बाद की जो नेक्स्ट रीडिंग है वो 30 मार्च की होगी, उसके बाद होगी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे ज़रूर आप व्हाट्सएप दे दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, चार्जेबल होती है वो भी, अगर आपको करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।